इस फ्री वेबिनार में मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वेबिनार हर महीने हमारे कार्मिक वर्ल्ड के फाउंडर रीना खन्ना जी हर महीने हम सबको ऑकल्ट साइंसेस का ज्ञान साझा करने के लिए और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित करती हैं। मैं नीलम सिंह जयपुर से हूँ। मैं मैम से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ और मैम के ही मार्गदर्शन की वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। मैं मैम के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। रीना जी इंडिया की लीडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और वास्तु कंसल्टेंट हैं। मैं मुझे ऑकल्ट साइंसेस के बारे में जानने का बचपन से ही शौक था। मेरी तलाश बहुत सालों से चल रही थी, कई लोगों से जुड़ी, पर एक जो कनेक्शन होता है वो कुछ एक कमी सी महसूस होती थी। एक दिन अचानक यूट्यूब पर मैम से मिली और बात करते ही लगा कि बस आज मेरी तलाश खत्म हो गई, मुझे मेरी मंजिल दिखाने वाला मेरा एक मार्गदर्शक मिल गया है। और उस दिन से मैम से ऐसी जुड़ी कि एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स मैं लगातार करती गई। मैम के साथ मैंने न्यूमरोलॉजी चैंपियन का कोर्स किया, वास्तु का कोर्स किया, मैंने टैरो रीडिंग का कोर्स किया और बस अभी तो शुरुआत है। मैम के साथ ये सफर बहुत दूर तक तय करना है। बस मैम से प्रार्थना है कि मैम का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैम के आशीर्वाद के बारे में क्या कहूँ, मैम इतनी जानकार हैं, इतनी अच्छी एक सोल हैं, उनको इस विषय का इतना ज्ञान है कि हर कोई इनके ज्ञान से अपनी जिंदगी को रोशन कर रहा है। इनकी रेमेडीज, इनके सजेशंस के द्वारा बहुत सारी जिंदगियों को एक नया रूप मिला है। उन्होंने अपने लक को एनहेंस किया है और कहते हैं ना कि किस्मत को अपने हाथ से लिख सकते हैं, तो वो रीना जी ने बताया है कि हम अपनी किस्मत को किस तरह अपने हाथ से लिख सकते हैं। उनके ज्ञान के द्वारा हम सब अब मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और जो हजारों लोग जुड़े हैं उनकी तरह बाकी और भी दुनिया के सभी लोगों का जीवन अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, सबके जीवन में खुशियां आए, सुख संपत्ति आए और स्वस्थ रहे हमेशा। रीना जी के बारे में एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि रीना जी एक बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर तो हैं ही, साथ में एक वो बहुत अच्छी इंसान है। जब वो हमको पढ़ाती है ना, इतने प्यार से एक माँ की तरह पढ़ाती है कि हम को कोई भी टॉपिक है वो एक नहीं बार बार समझाती है। एक बार आपको समझ नहीं आएगा, दूसरा तरीका निकालेंगे, फिर वो तीसरा निकालेंगे, फिर किसी के कोई डाउट और होगा फिर वो चौथा तरीका निकालेंगे। मतलब हम पूछने वाले थक जाते हैं पर वो नहीं थकते हैं, और उनके शायद इसी क्वालिटी की वजह से, उनके प्यार की वजह से, उनकी चार्मिक स्माइल की वजह से, उनके पेशेंस की वजह से उनसे यूट्यूब से 35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं और उनके क्लाइंट्स तो पूरे वर्ल्ड से हैं। 10 से भी ज्यादा कंट्रीज से लोग उनसे कोर्सेज सीखते हैं, यूएस, कनाडा, श्रीलंका, सब से कहाँ कहाँ से लोग उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं और उनसे कोर्सेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। मैम के लिए मैं, मेरे दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि मैम दिनों दिन रात दिन चौगुनी तरक्की करें और मैम के ज्ञान से, मैम के आशीर्वाद से लोगों की जिंदगियां बहुत बेहतर हों और हम सब मैम के साथ, मैम के मार्गदर्शन में इस ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। थैंक यू सो मच मैम आपके ज्ञान के लिए और आज के टॉपिक के लिए, जिसके लिए आज जितने भी लकी लोग हैं वो इस फ्री वेबिनार का फायदा उठाकर अपनी जिंदगियों को नेम करेक्शन के द्वारा बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक्साइटेड कि आज कुछ क्या नया सीखने को मिलने वाला है? Yes, चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार और गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। चलिए आप बताइए आप सब लोग कि आज का टॉपिक जो है, मैंने पिछले टॉपिक से कुछ कनेक्टेड रखा है ताकि जहां हमने लास्ट में छोड़ा था वहां से कुछ कनेक्शन हम और आगे लेकर जाएं और आप लोगों को बहुत कुछ और सीखने को मिले। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एक आधा शॉर्ट कोर्स करते हैं, उन लोगों के भी क्वेश्चंस थे,
तो हो सकता है कि जब आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हो तो मेरे को आंसर करने का टाइम नहीं मिलता कई, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, कभी क्लाइंट्स हैं, कभी मेरी क्लासेस हैं। बट कोशिश मेरी ये होती है कि जब मैं वेबिनार पे आऊं और एक घंटा आप लोगों के साथ रहूं, उन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दे सकूं। तो आज का वेबिनार जो है, मैंने अपने कुछ ऐसे लोगों के लिए जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स मैं नहीं दे पाई, उनको ध्यान रखते हुए ये वेबिनार मैंने बनाया है। हम लोगों ने पहले जो बात की थी वो करी थी डेस्टिनी नंबर की, कि डेस्टिनी नंबर क्या है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और उससे पहले वेबिनार में हमने बात की थी कॉम्बिनेशंस की, कि कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं या कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो क्या वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ से। इसी को लेकर मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, कि कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि 2-6 का कॉम्बिनेशन है तो ये हेल्थ इश्यूज देता है या फिर ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये दो चीजें इसमें आपको मिलेंगी। अब किसी ने मेरे से पूछा कि 2-6 का कॉम्बिनेशन है तो क्या 26 बॉर्न भी ऐसे ही होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर हम बात करते हैं 2-6 के कॉम्बिनेशन की या किसी भी एंटी कॉम्बिनेशन की, तो जो उसकी डेट्स हैं वो भी इंक्लूड होती है। अब ये तो एंटी की बात हुई। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन होता है 1-7 का, जिसे मैं कहती हूँ आफ्टर 40 ये राजयोग देता है, तो जो 17 बॉर्न है वो भी इसमें आएंगे। तो आज एक छोटी सी ये टिप थी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में, कि जब भी आप किसी कॉम्बिनेशन को देखते हो, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, हमारा साइकिक नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर, तो जब भी आप लोग किसी कॉम्बिनेशन को देखते हो तो जो डेट ऑफ बर्थ की फर्स्ट डेट होती है ना, वो भी एक कंपाउंड नंबर है, उसका भी वैल्यू वही होता है जो कि आपके कॉम्बिनेशंस का होता है। ठीक, ये तो थी आज की एक टिप। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की जिनमें मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मैम अगर किसी का एंटी कॉम्बिनेशन है तो उसको अपना नेम नंबर किस नंबर पर सेट करना चाहिए। आप लोगों को मैं एक चीज सबसे पहले शेयर करती हूं कि हमेशा आपकी लाइफ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूमरोलॉजी। अगर आप इन तीन चीजों पर फोकस कर लोगे तो 50-60% आप अपनी लाइफ को बिना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए ठीक कर सकते हैं। बाकी की चीजें आपको न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर अपनी पूरी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो या कुछ खुद से करना चाहते हो तो उतनी मदद करने तो मैं आज आपके पास आई हूं। पहली चीज होती है कि जिस दिन हम बॉर्न हुए, आप टोटल कर लीजिए, सिंगल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में रहने दीजिए। अगर आपका डबल डिजिट में बॉर्न नंबर है, डे नंबर है, देन उसको आप सिंगल डिजिट में ले आएंगे। वो नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन आप बॉर्न हुए हो। देन आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का डे, मंथ एंड ईयर, इसका आपने टोटल करना है, ये आपका डेस्टिनी नंबर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। इस नंबर को आपने कभी नहीं छोड़ना क्योंकि आफ्टर 30 आपका डेस्टिनी नंबर वर्क करता है टिल जब तक आप इस दुनिया में हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होता है। तो आपको अपनी जिंदगी में जो दो नंबर मिले हैं, एक आपका मूलांक है और एक आपका भाग्यांक है, तो ये दो नंबर अगर आप लोग अच्छे से यूज करते हो लाइफ में तो आप मान के चलिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम करते क्या हैं, गलती कहाँ करते हैं, इन दो नंबर्स को छोड़कर हम भटकते फिरते हैं। हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, हम मिसिंग नंबर्स को कैसे पूरा करें, हम क्या करें कि ये नंबर हमारे पास नहीं है, इसको कहीं से लेकर आए। हाँ, उसको लेकर आइए ना, अपने मोबाइल नंबर में लेकर आ जाइए। मिसिंग नंबर
आपके पूरे हो जाएंगे, बट आपको वर्क क्या करना है, आपको ध्यान कहाँ देना है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो ईश्वर ने आपको दी है, पहला आपका मूलांक, दूसरा आपका भाग्यांक, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब टॉपिक कि यही एंटी आ जाए तो क्या करें, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनका मूलांक और भाग्यांक एंटी आ गया है। आज मैं इसी चीज पे आपको ज्यादा जोर देकर सारी चीजें बताऊंगी। तीसरी चीज जिसको मैंने बोला है, मैंने आज आपको आते ही कहा कि तीन चीजें हैं हमारी लाइफ में, तीन नंबर्स हैं हमारी लाइफ में जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने, इनको ठीक करते ही आपका जो है लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। तीसरा है हमारा नेम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी पहचान, हम क्या हैं, हमें बुलाया जाता है उस नाम से, तो हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उसको इग्नोर नहीं कर। जो लोग भी अपने नेम नंबर को इग्नोर करते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती। कई बार डेट ऑफ बर्थ बहुत खूबसूरत है, आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कहते कमाल की कुंडली है, कमाल की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो। रीजन है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के एंटी नंबर पर या फिर गलत नंबर पर अपना नाम रखा होता है, तो आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते जिसको आप डिजर्व करते हो, जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। तो आज हमने थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे नेम नंबर जो है हमारे मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से क्या होने चाहिए, खासकर जिन लोगों के एंटी नंबर है। जिनके एंटी नंबर नहीं है मींस मूलांक और भाग्यांक जिनका एंटी नहीं है, फ्रेंडली है, वो तो अपने मूलांक और भाग्यांक पर ही रख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंपल एक टिप है ये, अपना नेम नंबर अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एंटी नहीं है, देन आप अपना नेम नंबर अपने मूलांक और अपने भाग्यांक के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टिप। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर यानी कि आपका मूलांक और भाग्यांक अगर एंटी है तो क्या करें, एंटी कैसे होगा, सबसे पहले शुरू करते हैं हम वन से। अब वन के साथ एट नंबर को हमेशा हम एंटी नंबर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम हमेशा बोलते हैं वन के साथ एट है, सूर्य और शनि का मिलन तो वो तो एक दूसरे के एंटी है। पहली चीज की एंटी होता क्या है इस चीज को समझ लीजिए। मेरे पास वन और एट के कुछ लोग ऐसे आए हैं जो लोग हताश होकर बैठे, हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा तो इतना एंटी कॉम्बिनेशन, क्या बात हुई, दुनिया में करोड़ लोगों का वन एट का कॉम्बिनेशन होगा, क्या वो लोग रिनाउंड नहीं है, क्या उन लोगों की कोई हस्ती नहीं है, क्या वो लोग सफल नहीं होते, ये बिल्कुल बेकार की बात। वन नंबर सूर्य का नंबर है, जो सूर्य का नंबर किंग नंबर आपको मिला है वो बेकार कैसे हो सकता है, रॉयल लाइफ जीने के लिए आप पैदा हुए हैं, पहचानिए अपने नंबर। एट नंबर शनि का नंबर, ऐसा एक स्टेबिलिटी का नंबर, ऐसा एक मनी का नंबर, एक ऐसा जजमेंटल नंबर, एक ऐसा नंबर जो हमें नॉलेज देता है, जो हमें विजडम देता है, हमें प्रॉपर्टी देता है, इतने स्ट्रॉन्गली दो नंबर, इतने पावरफुल दो नंबर लेकर आप बैठे हुए हो। उसके बाद क्योंकि दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है और ये जबरदस्त एंटी है, इसीलिए आपने अपने मन में सोच लिया कि हमारी लाइफ में ना कुछ होने ही नहीं वाला, तो सचमुच कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। ये नंबर अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स आपको देंगे ही देंगे लाइफ में, बट क्योंकि ये एक दूसरे के फ्रेंड नहीं, आप किसी के घर जाते हो उसको आप पसंद नहीं करते, आप बिल्कुल उससे परेशान हो, वो आपका दोस्त नहीं है, किसी मजबूरी में आपको उसके घर में 2 दिन रहना पड़ता है, तो आप बड़े अनकंफर्टेबल होते हो कि काश ये 2 दिन बीते और हम यहां से चले जाएं, ठीक है ना, बट ऐसा थोड़ा है, जो वो दोस्त है उसके पास आप दोस्त नहीं है, जो भी था आपके पास आप गए उसके पास, वो बहुत रिनाउंड पर्सन हो सकता है, आप भी बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स तो ना वहां जाके खत्म हो जाएंगे,
बात को समझिए, आप थोड़े से उलझन में रहेंगे, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो यही कहानी होती है एंटी नंबर्स की। हेल्थ इश्यूज आते हैं 1-8 वालों को, ये जरूर होगा। दुनिया में आप जब भी कोई काम करेंगे आपको थोड़े से डिलेज आएंगे या स्ट्रगल्स आएंगे। अब उन्हीं स्ट्रगल से घबरा के हम कह देते हैं कि ये नंबर तो एंटी है, हमारी लाइफ गई। ऐसा नहीं करना आज के बाद। किसी नंबर को पहचानो, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्यों आपको ये नंबर मिले हैं, उसके हिसाब से अपना करियर चुनो, उसके हिसाब से अपना नेम नंबर रखो। तो जब भी 1 और 5 का 1 और 8 का एंटी कॉम्बिनेशन का किसी का भी है तो आप उसका नेम नंबर नंबर 5 पे रख दीजिए। बेस्ट नेम नंबर ये होता है नंबर 5, क्योंकि मैं कहती हूं कि 30 इयर्स के बाद जो है वो हमारा डेस्टिनी नंबर 1 वर्क करता है। तो अगर 8 आपका डेस्टिनी नंबर है तो नंबर 6 भी आपको सूट करेगा। आप अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो 8 नंबर की प्रॉपर्टी लेकर देखिए, 1 और 8 वाले आपको बहुत सूट करेगी, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 8 है और आप शनि की काम करने जा रहे हैं, शनि की चीज खरीदने जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत सूट करेगा। अब लोग क्या करते हैं कि ये नहीं नहीं 1 और 8 के हम शनि वाला कैसे लेकर जाएंगे, हम वो घर ही नहीं लेंगे, ये तो हमें बहुत स्ट्रगल देने वाला है। नहीं देगा। ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं इन्हीं को आज मैं कुछ दूर करने आई। दूसरा एक कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रम है वो है 6 और 3 या 3 और 6, 36 का आंकड़ा बोल देते हैं लोग। दुनिया ही खराब हो गई 36 का आंकड़ा, वो लोग बोलते हैं मैम इसलिए तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो, हमारा तो 36 का आंकड़ा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। अरे 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, 6 नंबर वीनस का नंबर है, इतने खूबसूरत नंबर आपको मिले हैं, लोग तरसते हैं ये 2 नंबर्स के लिए। वो 36 का आंकड़ा क्या है, उसको समझिए वो क्या है, अगर है तो क्या है, कहां उसको यूज नहीं करना, क्या होगा आपके साथ उसमें। 36 का आंकड़ा सोच के अपनी जिंदगी को खराब नहीं कीजिए, क्योंकि गुरु और इधर से वीनस जो गुरु है, 2 गुरु के नंबर आप लेकर बैठे हो तो आप जैसा कौन हो सकता है। यहां पर मैं साथ में आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो आप लोग आज के बाद कोई भी 36 के आंकड़े की बात नहीं करें। सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना हुआ है, कौन है जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता, हमारे देश का गौरव है वो, है ना, वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी, हमारे देश का गौरव। जरा उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, मैं बताती हूँ आपको, 24/4/1973। क्या कॉम्बिनेशन है, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। आई थिंक आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि 6 और 3, 3 और 6 ये तो बस हमारी जिंदगी ही खराब हो गई। अभी मैं 1-8 का भी कॉम्बिनेशन का आपको एग्जाम्पल दूंगी, ऐसा नहीं है नहीं दूंगी, वो भी दूंगी, ठीक है। अब अगर सचिन तेंदुलकर का 6-3 का कॉम्बिनेशन है और वो इतने रिनाउंड हैं, तो आज के बाद कम से कम आप लोग इन चीजों के भ्रम से बाहर निकल आए। उनका रिनाउंड होने का रीजन बहुत सारे हैं। जब हम क्रिकेट की दुनिया की या कोई भी गेम्स, कोई भी स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में बात करते हैं तो हमें 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 और 7, दोनों नंबर उनके पास है। 6 तो उनका डेस्टिनी नंबर है और 3 नंबर क्या करता है, 3 नंबर एक गुरु है जो हमें इनर गाइडेंस देता है, यानी कि जब भी वो खेलेंगे तो उनकी जो इनर गाइडेंस है वो उनको बताएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत लकी होते हैं जो 3 नंबर वाले, जिनके पास नंबर 3 होता है, लकीस्ट पर्सन होते हैं। गुरु का नंबर है, आपको इनर गाइडेंस आ रही है, आपको इंट्यूशन पावर है आपकी, आपको पता चलता है सही क्या है गलत क्या है, तो वही चीज उनके साथ है। अब उनका नेम नंबर नोटिस करिए, किस पर है उनका नेम नंबर, करके देखिए, नहीं तो मैं भी बताती हूं।
नेम नंबर उनका 50 कंपाउंड नंबर से नंबर 5 पे आता है। कितना ब्यूटीफुल नेम नंबर सेट है। कभी जब उनके मदर फादर ने रखा होगा, देन देखिए वहां महाराष्ट्र में एक रिवाज होता है कि बीच में फादर का नाम लिखते हैं, लेकिन वो हम नोटिस नहीं करेंगे यहाँ पर। रीजन है कि वो रेनाउंड किस नाम से हुए, जिस नाम को हर जगह लिखा जाता है, जिस नाम को हर जगह बोला जाता है, वो नाम आपको वाइब्रेशन देनी शुरू कर देता है। जो नाम डॉक्यूमेंट्स में होता है वो पड़ा रह जाता है, वो नाम वर्क उतना नहीं करता। तो जब भी आप अपने नेम नंबर की स्पेलिंग्स को चेंज करेंगे, आपने ये याद रखना है, आपने सोशल मीडिया पे अपने नाम को रिनाउंड कर देना है, बहुत सारे विजिटिंग कार्ड छपवा कर वो बांट देने हैं, और अपनी नेम प्लेट पे वो नाम रख देना है, लोगों के आई कांटेक्ट में आए, जितना ज्यादा नाम स्प्रेड होगा उतना ही वो रिजल्ट देना शुरू कर दे। ठीक है, तो कितना खूबसूरत नाम है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे उनका नाम रिनाउंड हुआ, जो 6 के साथ मोस्ट कंपैटिबल है, 3 के साथ भी अच्छा। तो 3 नंबर उनको मिले जो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करे। पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 3 एंड तीसरा नंबर था नंबर 5। तीनों की कंपैटिबिलिटी जब मिलकर आई तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनको देख के आप उनको जब देखते हैं वो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। खेलते तो बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत कमा लिया, पैसा भी बहुत कमा लिया, लेकिन वो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। सम्मान से आंखें झुकती हैं उनको देख के, मन को उनकी स्माइल प्योरिटी देख के बड़े अच्छा लगता। तो आज के बाद जो है कोई नहीं कहेगा कि ये कॉम्बिनेशन एंटी है, इसलिए हमारी लाइफ तो बस हो गई खत्म। क्योंकि आपको ईश्वर ने कोई कॉम्बिनेशन दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ दी है, तो आप उसको पहचान के आगे बढ़िए, ना कि इन्हीं सोचों में उलझे रह जाइए कि क्या मिला है हमें, हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। आखिर कुछ लोग ये बहुत कहते हैं, छोड़ दीजिए कि आपके साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए लाइफ में और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए। मैंने आपसे कहा था 1-8 का भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो बड़ा अलग सा एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़े हैरान होंगे। मेरे एकदम जब मैं सर्च कर रही थी तो एक नाम आया मेरे आगे, वो नाम था राबड़ी देवी का। आप लोगों ने सुना होगा, बिहार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, लालू प्रसाद की वाइफ है, 1-8 का कॉम्बिनेशन। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने नोट की है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1-1-1959। ठीक, 1-8 का कॉम्बिनेशन है। उसके बावजूद देखो, स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में, जहां किसी का हस्बैंड जो है वो जेल में चला जाए, आप जब चीफ मिनिस्टर बनते हो तो तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, तो आई है, 1-8 है तो थोड़ा स्ट्रगल देगा, वो चीज आई है। लेकिन वो एक हाउसवाइफ होते हुए एक सीएम की पोस्ट पर रही है, सिंपल हाउसवाइफ हो, क्यों रही होंगी वो, रीजन क्या होगा, क्यों 1-8 का कॉम्बिनेशन जो है उनको कैसे बना दिया उसने सीएम। यहां से आप लोग देखिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है, उसको एंटी मत बोलिए। रीजन उसका जो मुझे समझ में आया ज्यादा, वो ये था कि अगर आप राबड़ी देवी का नेम का टोटल करते हो तो 24 से 6 पे आते, मैजिकल नंबर होते 24। मेरी वीडियो है, आप देखिए ध्यान से YouTube पे, 24 अ मैजिकल नंबर। तो वो जो नंबर 6 है, जब डेस्टिनी नंबर 8 एक्टिव हुआ उनका, उसके बाद जो उनका नाम था वो उसके साथ उनको एक ऐसी पोस्ट दे गया, उनको इतना रिनाउंड करा गया। ठीक, 1 के साथ एक और कॉम्बिनेशन, 1-6, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये कॉम्बिनेशन जो है
जो भी जिसके पास भी 1-6 का कॉम्बिनेशन होता है, क्या है 1 तो किंग है, सूर्य है, और 6 वीनस है, यानी कि आप रॉयल तो होगे, साथ में आपके पास पैसा भी बहुत हो सकता है, आपके पास हर तरह के सुख, और आपके पास एक अथॉरिटी, आपके पास एक नेम फेम, हर चीज आपके पास हो सकती है। लेकिन 1-6 जो है वो एक चीज में प्रॉब्लम करता है, शादी का सुख कहीं ना कहीं कम कर देता है, कईयों की लेट मैरिज करा सकता है, किसी किसी की मैरिज नहीं होती है, होती है तो वाइफ की को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इस चीज की प्रॉब्लम 1-6 कराता है। और इसका जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आप लोग हैरान हो जाओगे। वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी रतन टाटा, चलिए डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए इनकी भी, ये सब आप लोग करके देखिए तब आपको पता चलेगा कि कैसे किसके नाम की वजह से या क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या देकर जाती है। रतन टाटा की डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937, और शायद उनके जितना रिनाउंड पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और जितना नेम फेम, जितनी लग्जरी, जितना पैसा, जितना रुतबा उनका है, वो बहुत ही कम लोगों का। लेकिन आप लोग क्या ये जानते हैं कि रतन टाटा ने मैरिज नहीं की, आज तक वो अनमैरिड है, रिटायर्ड हो चुके हैं, बट रतन टाटा ने मैरिज नहीं की। तो ये नंबर ने उन्हें सब कुछ दिया लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज नहीं की उन्होंने। नेम नंबर किस पर है? 1-6 का कॉम्बिनेशन है और नेम नंबर 23 से आता है नंबर 5 पर। आज मैं आप लोगों को यही सब बताने आई हूं कि नेम नंबर की वैल्यू हमारी कितनी ज्यादा है, हम जब किसी भी कॉम्बिनेशन में नेम नंबर को यूज करते हैं। ठीक, चलिए और चलते हैं आगे। आप लोगों ने एक नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कोई ऐसा नहीं है जो उनको ना जानता हो, वो है सलमान खान। अब सलमान खान की भी शादी नहीं हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स। 9-6 का कॉम्बिनेशन है, 9-6 के कॉम्बिनेशन को हम पता है क्या कहते हैं? अनक्राउंड किंग, किंग नंबर है ये, किंग कॉम्बिनेशन है। इतना पैसा, इतना नेम फेम, इतना शोहरत, इतना वीनस इनका बहुत ही कमाल का, इसीलिए वो फिल्म इंडस्ट्री में छा गया। लेकिन 9-6 के कॉम्बिनेशन या 6-9 का कॉम्बिनेशन, ये लोग गर्लफ्रेंड्स तो बहुत बनाते हैं, शादी वादी के इंटरेस्ट में नहीं होते, वही उनके साथ। अब शादी नहीं हुई उसका एक और क्या रीजन है? अभी अभी मैंने कहा 3 और 6 जो होते हैं वो आपस में, कई लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा है, या प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। तो 3 और 6 की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आपको मिलेगा सब कुछ, आप दो गुरु हैं, लेकिन जब दो गुरु मिलेंगे तो कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद होगा, कहीं ना कहीं खराब होगा थोड़ा सा, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को जो है कह देते हैं 36 का आंकड़ा। देता सब कुछ है ये, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम 6 नंबर का नाम नंबर 3 पे रखते तो यही विचारों का मतभेद जो है, और कॉम्बिनेशन क्या 9-6 का, ये भी आपकी शादी नहीं होने देगा। तो सलमान खान का नेम नंबर नंबर 3 पे है, जबकि उनका डेस्टिनी नंबर 6 है। कहीं अगर उनका डेस्टिनी नंबर से मैच करता हुआ नंबर 5 पर, नंबर 6 पर उनका नाम होता तो शायद मैरिज के चांसेस थे। समझ रहे हैं आप लोग कि एक नेम नंबर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए इसके बाद और बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को, कई लोगों ने कहा होगा कि नाम जब रखने हैं ना तो 1 पे रख दीजिए, 3 पे रख दीजिए, 5 पे, 6 पे, बस बस इसी पे, ये 4 नाम, 4-5 अच्छे नंबर्स हैं, इन्हीं पे अपना नाम रख दीजिए। ऐसा नहीं है,
नेम नंबर के कंपाउंड नंबर क्या है, उनकी क्या वैल्यू है, वो बहुत मैटर करता है। 108 कंपाउंड नंबर है जिनको हम नेम न्यूमरोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं। आपके नेम में वॉवल्स क्या आते हैं, जो वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट है उनको हम कॉस्मिक नंबर कहते हैं। क्या वो आपके कंपैटिबल हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो आपसे कितना मेल खाते हैं। बहुत कुछ है जो नेम न्यूमरोलॉजी में हम सीखते हैं। तो यहां मैं इतना कुछ तो नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अमिताभ बच्चन जो 2-1 का कॉम्बिनेशन है, जो 2-1 का कॉम्बिनेशन है, और उनका नेम जो है नंबर 7 पे आता है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम 1 पे है जी, वो इतने रिनाउंड है, उनका नाम बहुत पावरफुल नंबर पे है, 5 पे है या 6 पे है, नहीं है। फिर वो इतने रिनाउंड क्यों है? जब भी नंबर 7 पे नाम आएगा, आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखिए, उसका टोटल कीजिए, एप्पल आईफोन का टोटल कीजिए, ये सब 7 नंबर है। और बहुत ज्यादा इन्होंने आगे अपना नाम कमाया है। नंबर 1 के साथ जब भी 7 आता है, वो आफ्टर 40 राजयोग बना देता है। नंबर 2 के साथ जब भी 7 आएगा, क्रिएटिव वर्ड में आपको रिनाउंड करा दे। तो ऐसी कितनी बातें हैं, यहां मैं आप लोगों को आधे पौने घंटे में ये इतना थोड़ा थोड़ा बता सकती हूं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से सीखें, तो ये पूरा मेरा 2 दिन का कोर्स है। और लकली ये कोर्स जो है कल और परसों, मेरा शाम को 6 बजे है। कोई भी इंटरेस्टेड हो, चाहे कि आप अपने नेम नंबर को बिल्कुल अपनी पूरी फैमिली के नेम नंबर को बहुत अच्छे से सेट करना चाहते हैं, ये नहीं है कि मेरे चैंपियन कोर्स ही चलते हैं, मेरे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज भी चलते हैं जो आप लोग ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से एंटी कॉम्बिनेशन हैं और उनके नेम नंबर क्या होने चाहिए, ताकि जो लोग कोर्सेज नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ मेरा वेबिनार ही अटेंड करना चाहते, उन लोगों को भी मैं बहुत कुछ बताते जाऊं। 1 से शुरू करते हैं। 1-8 का मैंने नंबर 5 बताया। अगर हम बात करें 2 और 6 की या 1 और 6 की, इनको भी नंबर 5 पे लाना चाहिए। उसके बाद 2 और 9, ये कॉम्बिनेशन भी पैसा तो दे देता है लेकिन मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कत पैदा करता है, कई बार सेपरेशन तक करा देता है, तो इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए। सूर्य ही है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद और कौन से कॉम्बिनेशन पूछना चाहते हैं? 3 और 4, 3 और 4 एंटी कॉम्बिनेशन है, इसको आप रखिए 1 पर। नाइन एंड फोर, ये भी एंटी कॉम्बिनेशन है, इसको भी आपको 1 पे रखना चाहिए। 7 और 6, 7 और 6 किसी ने पूछा है, 7 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको आप 6 पे रखिए, 5 पे रखिए, चलेगा। ये एंटी के 2 और 1 तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैं आपके सामने बैठी हूँ 2 और 1 की, ये कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने अपना नाम 37 पे सेट किया हुआ है। मैं हमेशा मानती हूँ कि अपने मौलाक या भाग्यांक पे अपना नाम सेट कर दीजिए अगर आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है तो। 4 और 8, यस 4 और 8 जो है वो कॉम्बिनेशन है एंटी, इसको आप 6 नंबर पर, अगर आपका 8 और 4 है तो 6 पे कीजिए, अगर 4 और 8 है तो आप 5 पे भी कर सकते हैं। मैं डेस्टी नंबर से ज्यादा नेम नंबर को प्रेफरेंस देती हूँ कि उस पर सेट करें आप। ठीक, और पूछिए, और किसने पूछना है, चैटिंग शुरू कीजिए, लिखना कौन सा पूछना चाहते हैं, सबको बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों के सबके क्वेश्चंस भी लूंगी मैं। 7 और 9 नंबर 1 पे, 1 और 6 नंबर 5 पे, 2 और 5 नंबर 1 पे, और देखिए 2 और 5 है, 5 पे भी रख सकते हैं। 8 और 8
नंबर फाइव पे, थ्री एंड फाइव, फाइव पे रख लीजिए, नहीं तो वन पे, जो अच्छे कॉम्बिनेशन है उसके तो डेस्टिनी नंबर अगर आपका बेस्ट आ रहा है आप उसी पे रखिए, फोर एंड वन, वन पे, फोर एंड सिक्स, सिक्स पे, सेवन एंड नाइन, सेवन एंड नाइन वन पे, सिक्स एंड टू फाइव पे, थ्री एंड थ्री वन, नंबर वन, फाइव एंड थ्री फाइव पे, सिक्स एंड सेवन सिक्स पे, आप एंटी कॉम्बिनेशंस पूछिए जितना पूछ सकते हैं, सेवन एंड एट ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, किस पे नाम रखेंगे, नंबर फाइव या नंबर सिक्स पे, सिक्स एंड सिक्स किसी ने पूछा अभी, नंबर फाइव पे, नाइन एंड एट नंबर फाइव पे, सेवन एंड फोर नंबर सिक्स पे, फोर एंड फोर नंबर सिक्स पे, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन, चलिए आई थिंक सेवन एंड थ्री, नंबर थ्री पे भी रख सकते हैं, वन पे भी रख सकते हैं, थ्री एंड वन ये तो बहुत आसान है, नंबर वन पे रख दीजिए। चलिए अब आप लोगों के सब क्वेश्चंस ले लेते हैं, कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो चंदन आप प्लीज जिस जिसके भी क्वेश्चंस जो हैंड रेज करेंगे एक एक करके उनको अनम्यूट कर दीजिए। रेणु गर्ग अनम्यूट कर लीजिए, रेणु गर्ग आप बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं। नमस्कार दी, नमस्कार मैम, हाँ नमस्कार रेणु, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी मैं, एक नाम है जी आदित्य अग्रवाल, नहीं एक एक चीज है... हाँ एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, यहाँ मैं नेम नंबर चेक करके सेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि आप लोग करें और मैं पूरी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है, ये भाग्यांक है और हमारा नेम नंबर इस पर आ रहा है, क्या ये सही है या नहीं। हाँ दीदी वही पूछूंगी, हाँ जैसे पुछे, फोर पुछे। और सिक्स है, डेस्टिनी नंबर और सेकिक नंबर फोर और सिक्स, ठीक है, हाँ आदित्य अग्रवाल आ रहा है ट्वेल्व पे और लास्ट नंबर आ रहा है ट्वेंटी पे, फाइव हो गया टोटल, टोटल फाइव हो गया, अच्छा नाम है रेनू, अच्छा नाम है ये, संदीप तलवार अनम्यूट कीजिए, देखिए जिन्होंने लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है वो, हाँ नमस्कार, हाँ और जो मेरा नाम है वो भी सिक्स पे ही रखा हुआ है मैंने, इज इट ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है संदीप, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है भी सही तो मैं यही कहूंगी कि वो हो सकता है आपकी महादशा ठीक नहीं चल रही हो, आपके पर्सनल ईयर्स ठीक नहीं चल रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपका साइकिक और डेस्टिनी नंबर विद नेम नंबर बिल्कुल ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। एक चीज यहाँ पर मैं और कह देती हूँ कि अपना फर्स्ट नेम का टोटल भी जरूर चेक कीजिए, कई बार क्या होता है कि पूरा टोटल तो आपका अच्छा आ रहा है लेकिन जो फर्स्ट नेम है वो खराब हो गया है। ओके अच्छा मैं यहाँ एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने रेखा सुना है, रेखा कितनी रिनाउंड पर्सनालिटी है, एक एक्ट्रेस जो है, ठीक है, उनकी भी शादी में सम प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ठीक, वन एंड थ्री का कॉम्बिनेशन है और नेम नंबर सिक्स पे है, डेस्टिनी नंबर थ्री, पहले आप लोगों को मैंने सलमान खान का बताया, डेस्टिनी नंबर सिक्स नेम नंबर थ्री, यहां पर उल्टा है, डेस्टिनी नंबर सिक्स नेम नंबर डेस्टिनी नंबर थ्री नेम नंबर सेम रेखा का, तो ऐसे एंटी पर कभी भी नेम सेट नहीं करिए, किसी का है तो चेंज कर लीजिए, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आपको इस टाइप की ही देगा तो वो मैरिज वगैरह की इसी टाइप की प्रॉब्लम्स देगा। चलिए आप ये अनुराधा हेलो अनिरुद्धा दत्ता, हाँ हाँ बोलिए बोलिए,
मेरा नाम अनिरुद्ध दत्ता है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10th मार्च 1990, आपका ड्राइवर टेंथ नंबर नहीं, वन। आप अपना अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर यानी कि मुलांग व ग्यांग बोल दीजिए। ड्राइवर वन है, कंडक्टर फाइव है, फाइव कंडक्टर क्या है? फाइव, ड्राइवर वन है, कंडक्टर फाइव ठीक है, है। हाँ 1-5। हाँ ठीक है, वो करियर और मैरिज के बारे में मुझे गाइडेंस चाहिए। नहीं अब 1-5 आपका है, यहाँ करियर एंड गाइडेंस क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़े हुए हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, नेम नंबर किस पे आता है? आज हम टॉपिक लेकर बैठे हुए हैं नेम नंबर का, नेम तो नेम नंबर नंबर निरुद्धा किस पे आता है? दत्ता, ट्वेंटी अभी आपने फाइव और चेक नहीं किया, नाइनटीन आएगा, 25 और 19। 7-8 8, तो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले अपना नेम नंबर चेक करिए, उसको ठीक करिए। देखिए 1 से एंटी जा रहा है आपका 8, ठीक है ना? तो नेम नंबर आप 5 पे ले आइए अपना, 1 या 5 किसी पर भी सेट कर दीजिए नेम। आपकी थोड़ी बहुत ये जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, वो तो नेम नंबर सेट करते ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, करिए। जी हाँ ये नेम नंबर आपका बिल्कुल खराब है, करिए सेट। योगेश, मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1984, जिसमें ड्राइवर 8, कंडक्टर भी 8 है। मैंने मेरा नाम 5 पे लाया, वो सही है क्या? अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरी सही है। डीड करते में 2 साल, क्या है, मैं क्या करते हैं? हाँ प्रॉपर्टी का काम करता हूं और अभी बस, न्यूमरोलॉजी। बहुत ही अच्छा है, मेरी आप इच्छा है 5 पे आपसे अपना सीखने नाम की। लेकर आए हैं, 8-8 का कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सही लाइन पे जा रहे हैं। जैसे ही आपके अच्छे कहते हैं ना, एक दिन आएंगे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस चीज का। एक क्यूरी है जो पूछू अभी। तीन जरूर पूछिए। बार ग्रिड में 8 है हाँ और मेरा ड्राइवर कंडक्टर भी 8 ही है, तो शनि खराब है क्या? देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि दूसरों को भी फायदा। वो बोल रहे हैं 3 बार ग्रिड में 8 है, तो क्या मेरा शनि खराब है? 8-8 का कॉम्बिनेशन है, 8 नंबर प्रॉपर्टी देता है और 8 नंबर पैसा देता है, लेकिन जैसे ही वो 3 बार आता है, अब वो डिलेज देना शुरू कर देता है। तो लाइफ में डिलेज आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सही पाथ पर, इसी पे चलिए, इसी पे मेहनत करिए, क्योंकि नंबर 8 प्रोमिनेंट है आपका, प्रॉपर्टी के लाइन में है आप, थोड़े डिलेज आएंगे, सम रेमेडीज करिए 8 नंबर की, आपकी लाइफ में काफी कुछ मिलेगा। यंत्र कौन सा ठीक है, लेना चाहिए? यंत्र कौन सा लेना चाहिए? आपको बुध पायरा यंत्र पहनना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के लाइन में हैं, ठीक है ना, तो वो आपको सूट करेगा। चलिए, थैंक श्री गोविंद, श्री गोविंद जी जल्दी मैडम। जल्दी आना। हाँ जी बोलिए मेरा बोलिए। ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 9 है, और नाम मेरा 37K1 पे है। मुझे ड्राइवर मतलब 2 है कैरियर के और बारे में, टोटल क्या है कंडक्टर आपका? 9 है। नाइन। नाइन चलिए नाइन ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए, कैसा है 2-9 का कॉम्बिनेशन? मैम, ठीक है, आगे बोलिए। हाँ मेरा नाम है, नाम श्री गोविंद, 37K1 पे है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर तो सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, काफी नाम वाम सेट करके आए हैं सब, बहुत अच्छा नाम है। क्या पूछना है फिर आपको? मतलब कैरियर के बारे में पूछना है, मतलब 2-9 के कॉम्बिनेशन में क्या कैरियर? आप अभी कर क्या रहे हैं? लोग कहते हैं कि करियर क्या, अब मैं मैं कह दूं कि 2-9 का कॉम्बिनेशन है तो ये तो इंजीनियरिंग के लिए बड़ा अच्छा है, और आपने इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है तो क्या फायदा हो, बताइए मुझे। अभी जॉब ही कर रहा हूँ, आप इंजीनियरिंग की हुई है क्या, मैंने, बस ठीक है ना, फिर सही रास्ते पे है, देख लीजिए, मतलब बिजनेस जॉब के लिए, करिए। मतलब मेरा मेरा बिजनेस का इरादा है मेरा, और बिजनेस का इरादा भी अगर मैं बात यहां करूं। पर हाँ, यहाँ पर बहुत सारे है, बिजनेस का इरादा है, हमें आपकी महादशा देखनी पड़ेगी, हमें पर्सनल ईयर देखने पड़ेंगे, क्या वो बिजनेस के लिए सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देन हम आपको बता सकते हैं। न्यूमरो महा, ये जो मैं महादशा कर रही हूँ, कह रही हूँ, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, ये न्यूमरो महादशाएं होती हैं जो हम देखते हैं, पर्सनल ईयर्स देखते हैं, देन हम प्रिडिक्शंस करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप नेम नंबर के बहुत सारे लोग बैठे हैं पूछने के लिए। आदिति हाँ पूछिए आप। मैम मेरे को ये बात पूछनी है, जैसे किंग नंबर अगर वन है तो इसमें क्वीन हमारा लेट्स से 3 या 6 आ जाए तो हमारा नेम किस पे सेट होना चाहिए? 5 पर चलेगा? वन है एंड 3 पे आपका 1-3 का कॉम्बिनेशन है, तो मैं बोलूंगी 1 या 3 किसी पे भी अपना नाम सेट कर लीजिए, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बीतने वाली। बट अगर 1 एंड 3 किसी पे भी कर लीजिए, 1 बहुत बेस्ट है आपके लिए, लेकिन अगर 1 एंड 6 पे है देन मैं 5 के साथ जाती हूँ। ओके मैम ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब ज्योति। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा बर्थ नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, लेकिन मुझे मेरे नाम का नंबर नहीं पता। नेम नंबर नहीं मालूम ज्योति, आप एक काम करिएगा मुझे व्हाट्सएप कर, क्योंकि यहाँ मैं टोटल करने बैठूंगी बहुत सारे लोग जो है वो। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 9 आता है और अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी में डिले हो रहा है। शादी में डिले 4 बार 9 से नहीं होता है, जिसने भी कहा होगा गलत कहा है। सक्सेस का नंबर 9 का क्या मतलब है? सुपर इंटेलिजेंट लड़की हो, क्या करते हो आप बताओ? मैम मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ इंटेलिजेंट गर्ल हो, 4 बार 9 बुरा नहीं है, बट अकेला रहना थोड़ा पसंद करोगे, अपना काम खुद करना पसंद करोगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। शादी क्यों नहीं हो रही, उसका रीजन आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी महादशा में वहां कहीं छुपा हुआ होगा। ज्योति आप मुझे व्हाट्सएप करना अपना नंबर, पर्सनली मैं चेक करके बता दूंगी किस नंबर पे आ रहा है। तो मैम आपके पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करूं अपना नाम, वो नेम नंबर नहीं पता ना। कोई बात नहीं, आप मुझे करिए, मैं आपको बता दूंगी ठीक है कि नहीं। 1+5 ये क्या है, आपका नाम नहीं आ रहा। सर, हाँ, मैं, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है और मेरे 2 और 6 ओके। हां हां तो अब मेरा, अभी आपने जैसे बताया 5 नंबर पे रखना है नाम, तो फर्स्ट नंबर 4 रहेगा, मतलब जो अपना जो मेन नेम रहेगा वो क्या होना चाहिए, मतलब वो किस नंबर पे आना चाहिए? टोटल तो 5 पे रखो। नहीं नहीं, टोटल भी 5 पे रखिए, और जो फर्स्ट नेम है अगर आप 2 एंड 6 की हैं तो आपका फर्स्ट नेम 6 पे भी आ सकता है, चलेगा, कोशिश करिए 5 पे सेट करने में दोनों। अच्छा फर्स्ट और ये दोनों भी 5 पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना जब आप 5 पे सेट करेंगे तो। हाँ ऐसा होगा नहीं, तो 2 एंड उसका है 1 पे चले जाइए, तो भी नहीं होगा। ये आपको बैठ के सेट करना पड़ेगा। अच्छा ओके ओके, बट टोटल 5 पे होना चाहिए। टोटल 5 पे होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना। अच्छा मैम अगर मुझे पूछना था कि जैसे आपकी, हमें देखना ये पड़ेगा कि आपका जो ये है सर नेम है वो कितने पे है, उसके हिसाब से टोटल 5 पे हम सेट करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही तो सेट करेंगे, और कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे कि आपका सर नेम क्या है, सर नेम को हम कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर नेम को क्या, ये ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। साथ में आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग बड़े उससे कर लेते हैं कि ए इधर लगा लिया, आई इधर लगा लिया। यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें नहीं, 2 दिन का कोर्स है, आप मान सकते हैं कि मैं आधे घंटे में कुछ नहीं बता सकती। हाँ डबल आई लोग लगा लेते हैं, वो नुकसान कर जाते। ऐसी कितनी चीजें हैं जो नेम न्यूमरोलॉजी में हम बताते हैं। तो नेम जो है एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सेट कराना ज्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी आप लोग अगर YouTube देखते हो, वो करते हो, अपने आप करना चाहते हो, तो काफी सारी टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है चलिए, अंजलि नागदेव। अंजलि आर यू देयर? चलिए जल्दी जल्दी पूछिए अपना क्वेश्चन। चलिए प्रिया सचदेव। हेलो। हाँ अंजलि आ चुकी है। हाँ गुड इवनिंग। हाँ इसके बाद। हाँ गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैम। मैम ये नेम नंबर जैसे 8-3 कॉम्बो में है, ओ सॉरी कॉम्बिनेशन 8-3 है, तो इसका नेम नंबर क्या होना चाहिए मैम? 5 5 ओके। जैसे एक चीज 5 पे हो ठीक है, नहीं तो आप नंबर 3 पे भी रख सकते हो। डेस्टिनी नंबर 3 है, आप 3 पे रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ओके
और मैम जैसे कि एक कॉम्बो और पूछना था मैम 7-5 का. ठीक है तो 7-5 का फाइव पे रखिए. इनका मतलब मेरे बेटे का है. इसका 4 पे आ रहा है मैम नेम करण. नहीं नहीं 4 पे. देखिए इनके लिए तीन ऑप्शंस हैं. सबसे पहले 5 अगर डेस्टिनी नंबर है तो 5 पे रखिए पहला ऑप्शन. यस. सेकंड ऑप्शंस है 1 पे भी जा सकते हैं 6 पे भी जा सकते हैं. ओके ठीक है. और मैम एक कॉम्बो 1 सॉरी मैम 1-4 कॉम्बिनेशन है यदि तो उसका कैसे आएगा मैम. 1 पे रखिए उसका 1 पे. यदि 8 पे आ रहा है तो वो रॉन्ग है मैम. नहीं बिल्कुल रॉन्ग बिल्कुल ही रॉन्ग. चलिए प्रिया अब आप पूछ लीजिए. थैंक यू मैम. हाँ प्रिया बोलिए. हेलो. हाँ प्रिया बोलिए बोलिए मैं सुन रही हूँ. थ्री एंड वन का तो मेरा जो नेम का है वो आ रहा है 5 पे. इज इट ओके. चलिए हाँ हाँ बिल्कुल ठीक. वैसे तो मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने मूलांक और भाग्यांक के ऊपर ही अपने नेम नंबर को सेट करिए लेकिन अगर फ्रेंडली पे भी है तो भी चल जाए. ये फ्रेंडली नंबर. ओके मैम थैंक यू. ठीक हाँ कवि कवि आप लोग देर लगाएंगे तो मैं दूसरे पे चली जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं. नमस्ते मैम. हाँ नमस्ते बोलिए. मैम मेरा बेसिक नंबर है 4 डेस्टिनी नंबर है 6 तो मेरा नेम नंबर 5 पे है. ठीक है वैसे तो 6 पे रखिए ज्यादा बेटर है 5 पे भी चलेगा. तो 6 के साथ 5 की कंपैटिबिलिटी बेस्ट कंपैटिबिलिटी मानी जाती है बहुत अच्छा माना जाता है बट 4 के साथ वो न्यूट्रल में चला जाता है बस इतना ही है. तो आप अगर डेस्टिनी नंबर 6 है तो 5 आपके साथ अच्छा जाएगा देन नहीं तो आप 5 पे उसे 6 पे भी रख सकते हैं. मैम आपने कम अगेन वंस अगेन. मैं बोल रही हूँ 6 आपके लिए बेस्ट है 5 पे भी ठीक है. ठीक है जी 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 5 पे भी ठीक है. ठीक है मैम थैंक यू. थैंक पारुल. पारुल पूछिए. हेलो राधे राधे मैम. राधे राधे. हाँ बोलिए. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरा बेसिक नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 7 है तो मैम मेरा नेम अभी टोटल पारुल नेम 20 के उस पर आ रहा है तो मैम ये कैसे मतलब ये तो ठीक नहीं है आई थिंक 2 पर तो. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. और मैम वैसे मेरे पूरा सरनेम के साथ गर्ग लगता है जैसे पारुल गर्ग. ठीक है तो मैम उसका पूछना था. मैम जैसे अगर मैं डबल एल करती हूँ तो टोटल 5 पे आ जाता है मैम 23 के और अगर सिंगल एल रखती हूँ तो फिर मैम प्रॉब्लम है पारुल गर्ग में. बिल्कुल तो आप इसको 5 पे नहीं तो 6 पे ले आइए ना. 6 पे 5 नहीं हम बहुत तरह से चेक करते हैं. एक ये कि आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ अच्छा होना चाहिए. दूसरा ये कि आपके कंपैटिबल हो सकता है वो रख दीजिए. तीसरा ये चीज हम जरूर जानना चाहते हैं जब हम नेम सेट करते हैं तो ऐसे नहीं करते जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इस पे रख दीजिए उस पे रख दीजिए. ये तो सिर्फ वेबिनार में हम कह सकते हैं. जब हम एक नेम सेट करते हैं देन हम पूछते हैं आप करते क्या आपका बिजनेस क्या है आपकी जॉब स्ट्रक्चर क्या है उसके हिसाब से भी नेम सेट किया जाता. अजय देवगन का नेम सेट किया गया 28 से 27 पे. 27 नंबर 9 बनता है एक्शन का नंबर है नेम फेम का नंबर है 27 क्रिएटिविटी का नंबर है. उसके बाद उनकी सिंघम आई और एक हिट मूवी और हिट मूवी एक्शन मूवीज उनकी चलती चली गई. तो एक नाम सेट किया गया कि एक्शन मूवी के लिए और क्रिएटिव फील्ड है ना ये आप एक्टिंग क्या है क्रिएटिविटी की फील्ड है. तो ऐसे नाम सेट किए जाते और कहां से ए हटाना है कहां से आई रखना है कहां से ई लगाना है किस लेटर के साथ वो आना चाहिए बहुत सारी चीजें. यस मैम इसलिए यही नहीं समझ आ रहा मैम. कल का कोर्स हाँ नहीं इंटरेस्टेड हो तो कल का कोर्स ज्वाइन करो. मैम ये कितने डे का है कोर्स. सिर्फ 2 दिन का कोर्स है. ओके मैम और मैम इसके चार्जेस बताती हूँ. चंदन आज के लिए कुछ डिस्काउंट है कुछ. यस मैम डिस्काउंट है आज 21
2100 ग्राम 2100 ग्राम वैसे 3100 का होता है बट आज के लिए बस जो जो चंदन ये कहना चाह रहा है कि ठीक है चंदन ये कहना चाह रहा है कि ये 3100 का कोर्स है नेम न्यूमरोलॉजी का, लेकिन अगर कोई आज के दिन इनरोल करता है कल के कोर्स के लिए तो उसको 2100 देने, ठीक है? तो आज के वेबिनार के लिए ये डिस्काउंट है, आप लोग कर सकते हैं। ये सब नाम एक बहुत देर से मैं देख रही हूँ, एक तो वीना श्रीनिवास, काफी देर से आपने क्लास टाइम जो है वो 6:00 इवनिंग बैच है। हाँ वीना बोलिए, वीना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। मेरा डेस्टिनी नंबर 2 और कंडक्टर 1 एंड नेम का 6 आ रहा है, नेम नंबर 6। लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है क्या, पहले मुझे ये बताइए। दे रहा है, ठीक है, तो नेम को नंबर 1 पे ले जाइए, लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ठीक है? नेम को थोड़ा सा सेट कीजिए और नंबर 1 पे ले जाइए। एक ये नाम है सैम दह, क्या नाम है सैमी दह, क्या ये नाम पढ़ा नहीं जा रहा प्रॉपर मेरे से? हेलो हेलो, हाँ, आपका क्या नाम है, प्रोनाउंस करिए अपने नाम। समेधा, 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 ओके ओके, चलिए जी। हाय मैम, मैम सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही, वो नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ बोलिए, आपका एक क्वेश्चन बोलिए जी। मैम मैं ये कह रही थी जैसे मेरा यही जो मूलांक भाग्यांक, मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है, डेस्टिनी 3 है, तो मैंने अपना फर्स्ट नेम 5 पे किया है एंड टोटल 1 पे, तो फर्स्ट नेम 5 इज ओके ना? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आप सब लोगों ने मेरे को अपना टाइम दिया, मुझे सुना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना, सबको कुछ बताना। ये तो आप लोग भी मानते हैं कि जब हम वेबिनार्स करते हैं कोशिश बहुत करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चीजें दे सकूं, पर पॉसिबल ये नहीं होता कि हम बहुत सारा दे सके, 2 दिन का कोर्स हम थोड़ी सी देर में करा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बाकी मेरे शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, आप लोग सब जानते हो मैं हमेशा कहती हूँ, और शॉर्ट कोर्सेज के साथ साथ एडवांस कोर्स, चैंपियन कोर्स, ये सारे ही कोर्सेज हैं मेरे जो कि हमेशा आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं। तो आप लोग अगर न्यूमरोलॉजी के चैंपियन बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे से सीखना चाहते हैं, मेरी कार्मिक वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेजल का नाम आ रहा था जिसको मैं ले नहीं पाई, सेजल प्लीज आप लास्ट आप कीजिए, देन हम ये वेबिनार खत्म करें। हेलो, हाँ सेजल, हाँ सेजल बोलिए। हाँ मैम, मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है, और मेरे बेटे का नाम है श्रेयांश मोदी, तो उसका श्रेयांश का टोटल 3 पे आता है और पूरे नाम का टोटल करें तो 1 पे आता है। वेरी गुड सेजल, निश्चिंत हो जाइए, आपका बेटा बहुत सक्सेस करने वाला है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, नाम आपने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट मंथ जो भी संडे आएगा, जिस भी लास्ट में जो एंड आता है लास्ट वीक में, वो हम लोग वेबिनार रखेंगे। मुझे इस बार जरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ये फ्री वेबिनार का, उसमें एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी सबसे, कि मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आप मेरे से सुनना चाहते हैं, देन हम उस टॉपिक को जो है वो जरूर लेंगे, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उस टॉपिक को हम लोग लेंगे, ठीक। चलिए आप लोगों के साथ आज की का वेबिनार यहीं पर हम विराम देते हैं, अगले महीने फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक पे, फिर कोई नई नॉलेज लेकर मैं आपके साथ आऊंगी। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार, गुड नाइट एवरीवन।
हेलो, जिन जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है अभी नेम न्यूमरोलॉजी का, वो यहाँ पे पेमेंट कर सकता है, नंबर दिया हुआ है और बैंक डिटेल भी दी हुई है, और साथ साथ में हमारे कोर्सेज के डिटेल है, जैसे न्यूमरोलॉजी बेसिक कोर्स उसमें क्या क्या करवाएंगे और कितने का है ये, एडवांस कोर्स, और चैंपियन कोर्स, कुछ छोटे 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 कोर्स भी हैं, जैसे इसमें मेंशन है सारी चीजें। जिन जिन को ज्वाइन करना है एज सून एज पॉसिबल कर ले, क्योंकि बस ये आज का ऑफर है, कल से फिर से 3100 का हो जाएगा वो। चलिए सब लोग गुड नाइट, सब खुश रहें, सब अच्छे से अपना लाइफ लीड कीजिए नंबर्स को समझ के और नंबर्स के साथ। मैम के नंबर पे मैसेज कर देना जिसको जो भी क्वेरीज हो, जैसे फीस का या फिर और भी चीज, तो वहां पे हम हमारी टीम एक्सप्लेन कर देगी क्या चार्जेस हैं और क्या कितने दिन का कोर्स है। बिल्कुल, थैंक यू चंदन, चलिए मिलते हैं अगले महीने फिर से। हाँ, गुड नाइट।